अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स कोलीग्स की रिक्वेस्ट आई कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग TBML को इस वीडियो में शामिल किया जाए, तो आज हम आपके साथ TBML के ऊपर बात करेंगे। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ये जो ट्रेड प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इनसे रिलेटेड फैसिलिटीज, इनके थ्रू मनी लॉन्डर जो है वो अपनी इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट करने की, चोरी करने की कोशिश करते हैं। सो, इसमें जो मेन आइटम्स हैं इस एरिया में वो है अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग, डबल इन्वाइसिंग, फिक्टिशियस इन्वाइसिंग एंड सो मेनी। सो ये जो कॉमन मेथड्स हैं, इनमें से आज हम आपको ओवर इन्वाइसिंग और डबल इन्वाइसिंग के ऊपर, ओवर इन्वाइसिंग एंड अंडर इन्वाइसिंग के ऊपर एक लेक्चर प्रेजेंट करेंगे, एक PPT दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। सो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंडली इसको गौर से सुनिएगा, देखिएगा और यकीन से कहता हूं कि अगर आप इसे गौर से सुने तो आपको समझ भी आएगा और आप इस रिस्क को मैनेज करने में कामयाब भी होंगे। तो आइए हम चलते हैं एक PPT की तरफ। सो व्यूअर्स, ये है मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू ओवर एंड अंडर इन्वाइसिंग। व्यूअर्स, मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू अंडर एंड ओवर इन्वाइसिंग बड़ा पुराना मेथड है, सदियों से चलता आ रहा है और आज भी बड़ी कामयाबी से क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं। तो आपके सामने है ये कि ये जो मेथड्स हैं, इनसे फ्रॉडेंटली ट्रांसफर की जाती है इलेजिटिमेट मनी अक्रॉस द बॉर्डर्स। नंबर टू, जो अंडर इन्वाइसिंग है, इज अ मेजर सोर्स ऑफ कस्टम ड्यूटी लीकेज इन इम्पोर्ट्स। एग्जैक्टली, ये जो अंडर इन्वाइस किया जाता है, इसका सबसे बड़ा पर्पज है कि जो ड्यूटीज, टैक्सेस या लीवीज यहाँ लगी हुई हैं इस इम्पोर्ट क्वांटिटी पे, वैल्यू पे, उसके ऊपर पैसे बचाए जाएं। तो अंडर इन्वाइस करके ये एक्सचेकर को बहुत बड़ा डस देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं और अपनी ड्यूटीज को, टैक्सेस को, लीवीज को बचाते हैं। तो ये इसलिए भी बड़ी नुकसानदेह है। एक दो केस हम आपसे डिस्कस करेंगे अंडर एंड ओवर इन्वाइसिंग के। दिस इज द फर्स्ट वन, अंडर इन्वाइसिंग केस, $2 million की मनी लॉन्ड्रिंग एक सीमेंट कंपनी ने अटेम्प्ट की। केस का बैकग्राउंड सिंपल, कि एक सीमेंट कंपनी ने इंपोर्ट ऑफ पोर्टलैंड क्लिंकर ईरान से मंगवाने के लिए एक एग्रीमेंट किया और उस असाइनमेंट के थ्रू उसने अंडर इन्वाइस करके $2 million की मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की। क्या मोडस ऑपरेंडी है? बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग, प्लीज गौर से देखिएगा। नंबर वन, एक वेल नोन सीमेंट फैक्ट्री ने एक एग्रीमेंट किया एक ईरानियन कंपनी से कि वो इंपोर्ट करेंगे पोर्टलैंड क्लिंकर टू पाकिस्तान फॉर मेकिंग सीमेंट। नंबर टू, क्लिंकर एक मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट है जनाब, आइटम है जो सीमेंट बनाने में काम आती है, बट फेच करती है बड़ी हैवी प्राइस ओवर इट्स इम्पोर्ट। नंबर थ्री, कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें 86,531 मैट्रिक टन्स ऑफ पोर्टलैंड क्लिंकर इंपोर्ट होना था ईरान से पार्ट शिपमेंट की बेसिस पर, यानी एक से ज्यादा शिपमेंट में वो पाकिस्तान पहुंचना था। नंबर फोर, शिपमेंट्स के दौरान जब ये शिपमेंट्स स्टार्ट हुई तो लोकल जो सीमेंट कंपनी थी उसने पाकिस्तान कस्टम अथॉरिटीज को जो इनवॉइसिस प्रोवाइड की इस इंपोर्ट से रिलेटेड, वो फैब्रिकेटेड थी और उसने उसमें जो इंपोर्ट वैल्यू थी उसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके शो किया। नंबर फाइव, कस्टम ऑफिस ने जब शिपमेंट्स आना शुरू हुई तो यूजुअली उसको अटेम्प्ट किया, क्लियर करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू द फैब्रिकेटेड वैल्यू जो थी, उसे कस्टम ड्यूटीज और लिवीज लगा के क्लियर करना शुरू किया। बट इसी दौरान कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग को एक कॉन्फिडेंशियल न्यूज मौसूल होती है कि ये जो कंसाइनमेंट्स आ रही हैं ईरान से, इसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग है। इस न्यूज के आने के बाद 7 नंबर पॉइंट पे आप देखें, टू प्रूव द मैटर फर्दर एंड टू असर्टेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ दिस कंसाइनमेंट, कस्टम इंटेलिजेंस विंग ने ईरानियन कस्टम अथॉरिटी को थ्रू पाकिस्तान एम्बेसी इन ईरान कॉन्टैक्ट किया इमीडिएटली
और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें सपोर्ट करें। जनाब 8 नंबर पॉइंट में बिल्कुल ईरानियन कस्टम अथॉरिटी ने पूरी सपोर्ट दी पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान कस्टम्स को, और उन्हें वहाँ की एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो ओरिजिनल थी वो शेयर की, और जहाँ जब ये शेयर की गई तो ये राज खुला कि जो वैल्यू थी इम्पोर्ट की वो फार हायर थी जो यहाँ पर फैब्रिकेट करके लोअर लेवल पे हमारे क्लाइंट ने हमें दिखाई थी। 9 नंबर पॉइंट में ये जो इम्पोर्टर थ्रू फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे इसमें उसने सिग्निफिकेंटली वर्थ ऑफ रुपीज यूएस डॉलर 2 मिलियन जो है वो कम शो किए, और जिसकी वजह से एक तखमीने के मुताबिक 47 मिलियन रुपीज की जो ड्यूटीज एंड लेवीज थी वो उसने बचाने की अटेम्प्ट की। देखें जी कितनी बड़ी ये चोरी है कि उसने अपनी सिर्फ फैब्रिकेटेड इनवॉइसेस में यूएस डॉलर 2 मिलियन को रिड्यूस करने के बाद इसकी जो ड्यूटीज थी वो इसके ऊपर बनती थी तकरीबन 47 मिलियन 47 मिलियन की उनकी चोरी की। नंबर 10 रिपोर्टेड बाय कस्टम इंटेलिजेंस विंग इंपोर्टर यूज्ड इलीगल चैनल्स ऑफ हुंडियावाला टू रिमिट द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ $2 मिलियन टू एक्सपोर्टर। डेफिनेटली जो 2 मिलियन वो यहां अंडर इनवाइस कर रहा था उसने वहां वो एक्सपोर्टर को तो देने ही थे, तो वो उसने इलीगल हुंडी हवाला चैनल के जरिए उसे भिजवा के उसके अकाउंट को सेटल किया, जो कि कानूनन ये भी एक जुर्म है। तो ये जनाब इसकी एक सिंपल सी इक्वेशन है जो आपको समझाने के लिए हमने बनाई है। ये जो कस्टमर ने फैब्रिकेटेड इनवॉइसेस दी उसमें जो वैल्यूज डिक्लेयर की वो नंबर 1 पे, क्वांटिटी उसने वही दिखाई जो एग्रीमेंट पे थी, रेट उसने दिखाया $18.5 पर मैट्रिक टन, और टोटल वैल्यू उसने दिखाई इंपोर्ट की $1.6 मिलियन, जबकि एक्सपोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या शो कर रहे हैं क्वांटिटी सेम है बट रेट सिग्निफिकेंट यानी डबल से भी ज्यादा फैब्रिकेटेड था, 41.6 को 18.5 अंडर वैल्यू किया गया था। इस तरह 1.6 जो फैब्रिकेटेड थी उसके अगेंस्ट जो एक्चुअल अमाउंट थी इंपोर्ट की वो 3.6 थी, अगर ये 3.6 होती तो इस पर 47 मिलियन रुपीस की ड्यूटीज एंड लेवीज जो है वो इसे और अदा करनी पड़ती, लिहाजा उसने अंडर वैल्यू US 2 मिलियन करके टैक्स भी चोरी ड्यूटी भी चोरी लिवीज की भी चोरी की और $2 मिलियन इलेजिटिमेट तरीके से एक्सपोर्टर को बाहर रिमिट किया। तो ये थी जनाब आपकी अंडर इनवॉइसिंग। तो ये है जनाब ओवर इनवॉइसिंग की एक एग्जांपल छोटी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक कस्टमर ने एक्सपोर्ट किया एक शिपमेंट जिसमें 3 क्वालिटीज या 3 आइटम्स उसने दिखाए कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आइटम ए आइटम बी आइटम सी, उसकी क्वांटिटी बताई उसकी क्वालिटी बताई जो कि तीनों ए ग्रेड क्वालिटीज़ वो एक्सपोर्ट कर रहा था बाहर, उसकी प्राइस पर पीस रेट बताया और उसकी इनवॉइस वैल्यू कस्टम्स पाकिस्तान को पेश की। ठीक है जी, तो आपके सामने उसने कहा कि जी मैं ये 3 आइटम्स जो हैं $3 लाख में बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी ये जो वैल्यू है ये मुझे बाहर से $3 लाख आएगी, बट इन्वेस्टिगेशन बताती है कि एक्चुअल एक्सपोर्ट इनवॉइस जो थी वो क्या शो कर रही है सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब आप देखें नीचे वाले टेबल में जो रेड आइटम्स हैं उसने क्वालिटी में चीट किया, बी ग्रेड को ए ग्रेड सी ग्रेड को ए ग्रेड, उसने रेट पे चीट किया एक एक दो दो डॉलर की चीज़ को ओवर इन्वाइस करके $5 और $10 दिखाया, और इस तरीके से उसने अपनी जो एक्चुअल इन्वाइस वैल्यू 3 लाख शो की थी वो यहाँ पता लगी कि ओनली 65,000 है, यानी 65,000 की एक्सपोर्ट वैल्यू को जो कि आनी थी $3 लाख दिखाया, $2,35,000 इलेजिटिमेट मनी ट्रांसफ़र है, यानी उसको ये $2,35,000 वहाँ से पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो गए बगैर किसी प्रॉब्लम के और लेजिटिमेट ज़राए से आ गए, बट ये मनी लॉन्ड्रिंग में शुमार होता है। ये यकीनन वो पैसा होगा जो पहले यहाँ से बाहर भेजा गया होगा किसी भी तरीके से हुंडी हवाले से या किसी बहुत सारे और तरीकों से, और अब उसको ओवर इनवॉइस करके
अपने अकाउंट्स में वापस मंगा के लेजिटिमेट करके इसको आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लीट हो गई, इंटीग्रेट कर लिया। तो ये थी ओवर इन्वॉइसिंग की एक रोशन एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये था आज का लेक्चर। देखें किस तरीके से अंडर इन्वॉइस करके टैक्स की ड्यूटीज की चोरी की जाती है और पैसा जो है वो इलीगल जराए से, इलेजिटिमेट चैनल से बाहर भेजा जाता है। इसी तरह ओवर इन्वॉइसिंग में देखें आप जो काला धन बाहर भेजा हुआ है, पता नहीं कैसे भेजा है, हुंडी हवाले के जरिए भेजा है, किसी कॉल गर्ल के जरिए भेजा है, वो पैसा कैसे वापस आ रहा है लेजिटिमेट होके एक्सपोर्ट की शक्ल में। सो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि देखें जी, कस्टम्स को, बैंक्स को एक डेटाबेस, सुपीरियर डेटाबेस बनाना होगा। क्या डेटाबेस? उसमें तमाम प्रोडक्ट्स हो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हो, उनकी तमाम क्वालिटीज हो, उनके तमाम के एवरेज रेट्स मौजूद हो, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी क्वालिटी वाइज। वो जब डेटाबेस आपका होगा दोनों के पास, कस्टम्स के पास भी और फिर बैंक्स के पास भी, तो जब बिल प्रोड्यूस होगा ऑन एन एवरेज बेसिस आप उसे देखेंगे, क्वालिटी को उसकी, उसके रेट को, उसकी प्रोडक्ट को, कि क्या रेट लगाया है। अगर तो 19-20 का फर्क है तो नो इश्यू, बट अगर सिग्निफिकेंट, जैसे कि आपने देखा डबल ट्रिपल का फर्क है, तो फिर आपका रेड फ्लैग है, आप ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का रेड फ्लैग लगाएं, इनहेंस ड्यू डिलीजेंस करें। और अगर सेटलमेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो जनाबे अली रेगुलेटर को इसकी जो एसटीआर है वो रेज करें। तो ये एक चीज है। दूसरे जो आपके मुमालिक हैं, मुल्क हैं जिनके साथ आप रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में डील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, उसकी चाइना के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, मलेशिया के साथ है, जापान के साथ है, रशिया के साथ है, इन लोगों के साथ ट्रेड ज्यादा है, तो इन ट्रेड रिलेटेड मुमालिक की कस्टम्स के साथ हारमोनी पैदा करें, सिस्टम हारमोनी, प्रोसेस हारमोनी, आप इनके साथ एफिलिएट हों। जब आप इनके साथ एफिलिएट होंगे तो यकीनन आपको एक दूसरे की मालूमात होगी और आप इन गेम्स को रोकने में कामयाब होंगे। सो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा, समझा होगा। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं एंड पे, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे किसी अच्छी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।